नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुंदर और गोरी त्वचा का सपना हर किसी महिला और पुरुष का होता है। वैसे भी गोरेपन को खूबसूरती का नाम दिया जाता है। आपकी आंखें, गाल, आपके हाथ पांव या आपका शरीर दिखने में सुंदर और आकर्षक हो तो हर कोई उसे देखने के लिए इतराता है। वैसे भी सुंदरता से किसी का भी लुक कातिलाना हो जाता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा गोरी हो जिससे वह हर किसी की नजरों में रहे। वैसे आपने अगर बहुत से क्रीम से बाजारू प्रोडक्ट को अपने चेहरे पर या अपनी त्वचा पर लगाकर बहुत कुछ कर लिया है और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जरा ठहरिए और अपने घर पर ही अपने हाथों से घरेलू औषधियों का इस्तेमाल कर अपनी काली स्किन को गोरा बनाएं। घरेलू नुस्खे पुराने जमाने से ही महिलाओं की सुंदरता को चार चांद लगा देने में काफी मददगार रहे हैं, तो क्यों ना आप भी बिना किसी ज्यादा पैसा खर्च किए अपनी त्वचा को सुंदर और आकर्षक बनाएं। इन घरेलू उपचारों की मदद से दूसरा फायदा ये होता है कि ये त्वचा पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या ये नुस्खा। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगी एक खाली कटोरी की। आपको यहाँ पर एक खाली कटोरी लेनी है और इस खाली कटोरी में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है वो दोस्तों कच्चा दूध, मतलब कि दोस्तों रॉ मिल्क। आपको यहाँ पर इसमें 3 चम्मच कच्चे दूध के ऐड करने हैं। दूसरी चीज जो आपको लेनी है दोस्तों वो है आधा कटा हुआ नींबू। आपको आधा कटा हुआ नींबू इसमें पूरा निचोड़ देना है। दोस्तों, यदि आप कच्चे दूध और नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो आप दूध जैसे गोरे हो जाएंगे। बाहर के प्रदूषण से घर पर आने के बाद इस नुस्खे को करने का सबसे सही समय है। इस नुस्खे को करने के लिए आपको 3 चम्मच कच्चा दूध और आधा कटा हुआ नींबू दोनों अच्छे से मिला लेने हैं। दोस्तों, कई महिलाएं दूध को अपनी रंगत सुधारने के लिए प्रयोग करती हैं। हम सभी जानते हैं कि दूध कई ढेर सारे पोषक तत्वों से भरा होता है, इसलिए यह आपके शरीर को मजबूती देने के लिए काफी आवश्यक होता है। पर क्या आप जानती हैं कि इससे आप खुद की खूबसूरती भी निखार सकती हैं। पुराने समय से ही शाही स्त्रियां दूध से स्नान किया करती थीं। कच्चा दूध चेहरे के लिए काफी अच्छा होता है। आप इसे क्लिंजर के तौर पर या फिर ब्लीच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे रेगुलर चेहरे पर लगाने से आपके चेहरे के दाग धब्बे, झाइयां, झुर्रियां और काले निशान दूर हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें हमने नींबू का रस लिया था। नींबू का रस हमारी त्वचा पर ब्लीच की तरह काम करता है। यह हमारी त्वचा को अंदर से गोरा बनाता है। साथ ही नींबू का रस हमारी त्वचा पर जमा मैल और गंदगी को बाहर निकाल देता है। अब दोस्तों, आपको क्या करना, दोनों चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद में आपको यहाँ पर लेना है कॉटन। दोस्तों, आपको थोड़ा सा कॉटन लेना है और कॉटन को जो है इसके अंदर आपको डिप करना है इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों, इस पेस्ट को लेकर आपको जो है कॉटन की मदद से अपने पूरे चेहरे के ऊपर, अपने पूरे हाथ पैरों के ऊपर, जहां से भी आप कालापन दूर करना चाहते हैं उस जगह पर आप इस तरीके से इसे जो है लगा लें। और दोस्तों, 20 मिनट तक आप इसे ऐसे ही लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद आप इसे जो है सादा ठंडे पानी से धोकर साफ कर लें। इस नुस्खे को करने से आपके चेहरे की सारी गंदगी निकलने लगेगी और चेहरे के बंद पोर्स खुलने लगेंगे। इससे आपका चेहरा काफी साफ नजर आने लगेगा। तो दोस्तों, आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें। साथ ही इस नुस्खे को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने चेहरे को आसानी से घर बैठे चेहरे को गोरा, चमकदार और बेदाग बना सकें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर लाता हूँ कुछ ऐसा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।